भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पहला वनडे मुकाबला बेहद शानदार तरीके से बीत रहा है। बता दें आपको कि टीम इंडिया की तरफ से यहां पर विराट कोहली और शिखर धवन के बीच जानदार साझेदारी हो रही है और इस साझेदारी ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया है। विराट कोहली जब बल्लेबाजी करने आए तो लगा ही नहीं कि वो आज कहीं पे भी आउट ऑफ फॉर्म है। जो फॉर्म उनकी T20 क्रिकेट में थी उसी फॉर्म को एक बार फिर वो कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि अब तक विराट कोहली ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की है। इस बीच उन्होंने अपना 61वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया है जिससे यहाँ पर टीम इंडिया को ज़बरदस्त फायदा हो रहा है। अब ये देखना होगा कि भारतीय टीम कैसा प्रदर्शन करती है आगे आने वाले 20 ओवरों में। 30 ओवर तक भारत का स्कोर करीब करीब 160 के पार पहुंच चुका है। शिखर धवन 77 बनाकर नाबाद है। विराट कोहली 52 गेंदों पर 52 रन, करीब 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 चौके विराट कोहली ने अभी तक अपनी इस पारी में जड़े हैं। बड़ी बात यह है कि इस मुकाबले में फिलहाल यहां पर अंग्रेज काफी पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भारत के 64 के स्कोर पर रोहित शर्मा का विकेट यहां पर गिरा था और भारत को इसका कोई खास नुकसान नहीं उठाना पड़ा क्योंकि विराट कोहली ने आते ही मोर्चा संभाला और एक कप्तानी पारी। अब इंतजार है तो कोहली के शतक का, क्योंकि किंग कोहली को काफी लंबा समय हो चुका है एक शतक बनाए हुए और अब उनके शतक का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।